5000 आदमी पूजा ला भीड़ में। तो हेलो फ्रेंड, नमस्ते नमस्कार, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप लोगों का स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो गाइज कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करते हैं अच्छे और स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज का टॉपिक ऐसा कि आज हमारे साथ जुड़ गए हैं कृष्णा जी, ब्लॉगर जी दोस्त हमारे साथ कृष्णा जी जुड़ गए हैं और देख सकते हैं नगेंद्र जी। तो दोनों आदमी हम लोग जा रहे हैं मलाही टोल और मिलने वाले हैं टिकटॉक स्टार अजय दोन जी से। तो आप लोग बने हैं चैनल पर और काफ़ी ब्लॉग इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दिखाते हैं आप लोगों को यहाँ से मलाही टू अजय दोन जी के घर तक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज अभी देख सकते हैं कृष्णा जी का बाइक यही है, पल्सर से हम लोग जा रहे हैं और कृष्णा जी वहाँ पे हाय बोल दीजिए फ्रेंड को। और नगेंद्र जी यहीं पे, नगेंद्र जी ड्राइव करने वाला है बाइक को, तो कृष्णा जी बैठेंगे बीच में और हम बचेंगे पाछा की। दोनों आदमी को ब्लॉगिंग करना है, वो अपना ब्लॉगिंग कर रहे हैं देख सकते हैं मोबाइल से। और तो गाइस बने रहिए चैनल पर और कुमार देसी ब्लॉग को आप लोग को सपोर्ट करना है तो ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। हमारे चैनल पर ये ब्लॉग जाएगा, उनके चैनल पर विजिट कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे। तो बनेंगे चैनल पर, देखते हैं और कैसे कैसे हम लोग रोड को पार करते हैं चलते हैं। तो बन रहेगा चैनल, देख सकते हैं यहाँ पे कृष्णा जी कितना मुस्कुरा रहे हैं और नगेंद्र जी बाइक चला रहे हैं, आज ड्राइव भी कर रहे हैं, नगेंद्र जी बाइक को ड्राइव कर रहे हैं। और हम लोग अभी अपने गाँव मलाही गाँव क्रॉस कर रहे हैं, तो आप लोग बन रहिएगा चैनल पर और देखते हैं आगे जाके कैसे कैसे हो रहा है। तो अपना कृष्णा जी मोबाइल ले चुके हैं। फाइनली हम लोग आ चुके हैं, हमारे साथ तो जुड़े हैं ना ब्लॉगर देसी ब्लॉग, कुमार देसी ब्लॉग कृष्णा जी और यहाँ पे नगेंद्र जी जुड़ गए हैं बाइक में। और हम लोग कहाँ पहुँचे हैं अभी, संतपुर। यहाँ दोस्त संतपुर क्रॉस कर रहे हैं अभी, देख सकते हैं यहाँ पे हरियाली हरियाली है और ऊख का खेती ज़्यादा होता है यहाँ पर। तो अभी क्रॉस कर चुके हैं वहाँ पर, ऊख का खेती ज़्यादा है और हरियाली हरियाली धान, बारिश नहीं होने की वजह से आप देख सकते हैं कितना दिक्कत हो रहा है अभी खेतों को। और हम लोग अभी क्रॉस करने वाले हैं संतपुर। तो गाइस संतपुर का सीन कुछ ऐसा है और रोड देखिए कितना, मतलब कि अभी इधर हाईवे नहीं हुआ है, काला पिंच नहीं हुआ है, थोड़ा प्रॉब्लम है। और चौक में आ चुके हैं, चौक का नज़ारा कुछ ऐसा है गाइस। और दोनों तरफ घर है, मिट्टी का घर भी है और दुकान फसल जो होता है छोटा छोटा। हाँ, और ये हो गया आपका संतपुर चौक गाइस, देख सकते हैं अभी तेल टंकी में आ गए हैं और पेट्रोल डलाना पड़ेगा गाइस। तो बने रहिएगा चैनल पर, पहले टंकी में आकर तेल डलाते हैं गाड़ी में, उसके बाद में वो लोग चलेंगे। देख सकते हैं गाइस 500 का तेल और अपने ब्लॉग स्टार्ट किए हैं कुमार देसी ब्लॉग। यहाँ तेल भरा रहा बा, देख सकिले तेल भरा रहा बा। अब यहाँ से हमें के कटहरिया निकलवा, कटहरिया से गौंडा जाएगा जी जी, गौंडा जाना है हम लोग। तो गाइस देख सकते हैं तेल का रेट अभी कितना है, 182 रुपये लीटर, 182.25 पैसा आपका तेल का रेट है। तो कैसा चलता है सर, टंकी पहले नहीं थे यहाँ पे, अभी अभी टंकी हुआ है, कितना दिन हो गया टंकी का, ये दो अढ़ाई महीना। कैसा चलता है सर यहाँ पे टंकी, ठीक है, मस्त है ना। अच्छा, बहुत बहुत खुशी है, लगता है कि रोहतक जिले में भी टंकी पहले यहाँ पर नहीं था। हम लोग पहले बाइक से आते थे तो तेल भरने का इतना दिक्कत हो जाता था बहुत ज़्यादा। तो गाइस अभी तेल टंकी में तेल रखा गया है और बाइक पे बैठते हैं फिर से चलते हैं। और हमारे कुमार देसी ब्लॉग कृष्णा जी बैठ गए बाइक पे फाइनली और हम लोग भी बैठते हैं चलते हैं, घुमा लेते हैं पहले बाइक को। तो गाइस फाइनली हम भी बैठते हैं और चलते हैं, बैठ गए हैं, चलिए गाइज। पहले यहाँ पे पेट्रोल टंकी नहीं था और अभी अभी पेट्रोल टंकी बैठा है और काफ़ी अच्छा चल रहा है पेट्रोल टंकी। और तेल का रेट आप बोला जाए तो नेपाल में भी तेल का रेट है
182.25 का लीटर पेट्रोल आपका नेपाल में अभी है। तो गाइस बने जाना पर जैसे देख सकते हैं मुस्कुरा रहे हैं बहुत ज़्यादा कृष्णा जी, और हमारे नगेंद्र जी तो बाइक चलाने में व्यस्त है और काफ़ी गीत सुन रहा है ईयरफोन हेडफोन लगा के। तो गाइस बने जाना पर आ चुके हैं बकिया नदी में और यहाँ से देख सकते हैं कितना बड़ा नदी है बकिया नदी। तो बाइक में से आप लोग उतना क्लियर नहीं दिखा रहे वाले, मैनेज कीजिएगा। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे बकिया के साइड साइड में ऊख का खेती हो रहा है और बारिश बड़ा बड़ा बाढ़ आता है तो इस सब में पानी आ जाता है गाइस। वहाँ से देख सकते हैं आपको पूरा ये ऊख का बागवानी है, पूरा ऊख का बागवानी है और खरही बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे और केरा का बागवान यहाँ पे भी बकिया नदी में आपको मिल जाएगा देखने के लिए। गाइज बकिया नदी का पुल ये हो गया, देख सकते हैं बकिया नदी में पानी नहीं है अभी, काफ़ी बड़ा नदी है गाइज बकिया नदी। तो गाइज फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं कटहरिया बाज़ार और कटहरिया बाज़ार भी क्रॉस कर रहे हैं। कटहरिया बाज़ार का सीन कुछ ऐसा है, देख सकते हैं मंदिर वहाँ पे और दुकान भी वगैरह खुल गया है। अच्छा है आज मौसम, हाईवे में हम लोग बाइक चला रहे हैं देख सकते हैं। गरुड़ा का बहुत लगन है भाई। और श्रीनगर का सीन कुछ ऐसा है, देख सकते हैं दुकान वगैरह खुला हुआ है और गाइस थोड़ी देर में श्रीनगर मंदिर श्रीनगर धाम आप लोगों को दिखाने वाले हैं यहाँ से, तो बन रहेगा। और श्रीनगर में कुछ घर ऐसा हो गया है, घर बहुत काफ़ी सुंदर सुंदर यहाँ पे बनने लगा है, पहले 10 वर्ष 5 वर्ष पहले यहाँ पे कुछ नहीं था गाइस। ठीक है देख सकते हैं कुछ सीन ऐसा है श्रीनगर का, शिवनगर धाम। तो देख सकते हैं जो बाइक से हम लोग आए हैं वो बाइक को यहीं लगा दिए हैं, बाइक पार्किंग कर दिए हैं और शूज निकाल कर वहाँ पर रख दिए हैं और कृष्णा जी चले गए हैं अंदर दर्शन करने के लिए। तो बन रहेगा चैनल पे और दिखा दे रहे हैं यहाँ से कुछ सीन ऐसा है, मिठाई वगैरह का दुकान कितना मस्त लगा चुके हैं, कितना सुंदर मिठाई देख पा रहे होंगे आप लोग यहाँ से। बबी दुकान में है, काफ़ी सुंदर मिठाई वगैरह है यहाँ पे मिलता है, यहाँ पे कुछ सीन ऐसा है। और यहाँ से देख सकते हैं खिलौने का दुकान, मिठाई वगैरह का दुकान, कुछ सीन ऐसा है। अंकल लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे और गाइस वहाँ पे देख सकते हैं बड़ा वाला दुकान खिलौने का कितना सुंदर है देख सकते हैं। तो गाइस बने रहिएगा चैनल पे, दिखाते हैं आप लोगों से अंदर चल के, अंदर का सीन कुछ ऐसा है गाइस। और भोले बाबा से भी दर्शन करने वाले हैं, लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, फसल लोग भी बैठा हुआ है कैसे, ठीक है ठीक है, मस्ती कर रहे हैं लोग। तो गाइज फाइनली हम लोग शिवनगर मंदिर धाम में आ चुके हैं और कृष्णा जी वहाँ पे देख सकते हैं, कृष्णा जी मुस्कुरा रहे हैं, दर्शन कर लिए हमसे गाड़ी जाके और अपना ब्लॉग शूट कर लिए हैं कैसा है, अभी दर्शन किए ना अंदर जाके, दर्शन कर लिए आप, आगे हम लोग से निकल गए ना हमसे। अच्छा चलिए साथ में चलते हैं। तो गाइस फाइनली भोले बाबा का दर्शन करेंगे हम लोग और कृष्णा जी साथ में हैं और पहले तो घंटी बजाते हैं और निकलते हैं यहाँ से। देख सकते हैं गाइस भोले बाबा का लिंग जो वहाँ पे है, चलते हैं अंदर और मन मांगते हैं वीडियो को वायरल करा दे भोले बाबा लीजिए दर्शन करते हैं, है ये ना। आप लोग भी दर्शन कीजिए आके, यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, तो आप लोग जरूर आइए दर्शन करने के लिए। और गाइस देख सकते हैं यहाँ पे कृष्णा जी भी दर्शन कर चुके हैं और हम लोग अभी दर्शन करके निकलने वाले हैं। और भोले बाबा का लिंग देख सकते हैं कितना अच्छा है और काफ़ी भीड़ रहता है गाइस यहाँ पे,
एक बार आप लोग जो वीडियो में देखे होंगे कितना भीड़ रहता है यहाँ पे, और कुछ सीन ऐसा है गाइस यहाँ पे। और क्लिक कर रहे हैं फोटो, हाँ कृष्णा जी वहाँ पे देख सकते हैं। तो गाइस अभी देख सकते हैं शिवनगर बाबा धाम का मंदिर देख सकते हैं यहाँ पे, कितना क्लियर दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। और भीड़ काफ़ी रहता है, लेकिन हम लोग ऐसा दिन में आए हैं कि भीड़ नहीं है, शनिवार का दिन है। और यहाँ से कुछ सीन ऐसा है आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, देख सकते हैं खाली खाली पूरा है। अभी मेला का दिन इतना भीड़ रहता है यहाँ पे, बात छोड़िए। तो गाइस शिवनगर धाम कुछ ऐसा है आप लोगों को दिखा रहे हैं और शेयर कर रहे हैं। तो अभी पूजा हो रहा है वहाँ पर देख सकते हैं, और पुजारी बाबा यहाँ पे नहीं है। पुजारी बाबा होते तो आप लोगों को बात कुछ कराने वाले थे उनसे, लेकिन नहीं है, अपने घर पे हैं। तो गाइस देख सकते हैं वहाँ पे पूजा हो रहा है, हनुमान जी का मंदिर है, हनुमान जी का आपका दिख रहे हैं यहाँ पे फोटो तस्वीर लगाया हुआ है। गाइस वहाँ पे देख सकते हैं पूजा हो रहा है अभी। कहाँ से हैं आप लोग? कहाँ से? मिठुआवा से। अच्छा बाबा जी नहीं आया ना, हार नहीं है, चल गए। तो गाइस आज का सीन कुछ ऐसा है, यहाँ पे पूजा हो चुका है, लोगों को पूजा करने के लिए आए थे, टूर आते हैं, टूर लोग आते हैं घूमने के लिए, अभी घूम रहे हैं लोग वहाँ पे देख सकते हैं। और मंदिर में काफ़ी इतना बड़ा मंदिर दिखाई दे रहा है आप लोगों को। तो गाइस काफ़ी अच्छा लगा आज शिवनगर धाम में आके, और काफ़ी इंजॉयमेंट हुआ यहाँ पर। और हमारे साथ तो जुड़ गए हैं कृष्णा जी, और कृष्णा जी आइए आइए सर आइए, थोड़ा आप लोगों से भी बात हो जाए। तो गाइज कृष्णा जी और नागेंद्र जी, कृष्णा जी और नागेंद्र जी से भी आप लोगों को मिला रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ से काफ़ी मतलब सुंदर मंदिर भी दिखाई रहा है, घंटी भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो गाइज हम लोग दर्शन कर लिए हैं भोले बाबा का, आप लोग ये ब्लॉग में देख सकते हैं। तो गाइज मिल लिए थोड़ा यहाँ पे कृष्णा जी से, और इनका ब्लॉग को आप लोग सपोर्ट कीजिए दिल से, और इनका ब्लॉग में देखने के लिए मिल जाएगा हमसे बहुत काफ़ी खूबसूरत ब्लॉग बनाते हैं। और अभी नए हैं तो इनको नहीं सपोर्ट की, एकदम दिल से सपोर्ट कीजिए कृष्णा जी को। और उनका ब्लॉग का नाम है देश कुमार देसी ब्लॉग को आप लोग फुल सपोर्ट कीजिए, और डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे रहे हैं, जाके वहाँ से सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिएगा। तो आज का ब्लॉग हम लोग यहीं एंड करते हैं, और एक बात और आप लोगों को जानकारी दे कि बाबा एक जुड़ गए हैं यहाँ पे, बाबा जी से कुछ बात करते हैं। अच्छा बाबा जी एक बात बताइए, बाबा जी आप थोड़ा हमारे साथ आ जाइए यहाँ पे, दो शब्द आपसे बात करना है। मेला कब कब लगता है यहाँ पे? यहाँ फागुन का 13, 80, 85 मेला माघ में। अच्छा और भादो के 13 में। अच्छा कितना? चार बार हुआ ना, चार बार मेला लगते हैं यहाँ पे। और भीड़ भड़कम कितना रहता है यहाँ पे? भीड़ मानिए दो मेला में बेसी भीड़ रहता है। अच्छा कौन कौन मेला में? शिवपंचमी में और फागुन के 13 में। अच्छा अभी कौन सा मेला नज़दीक है? अभी नज़दीक है भादो का 13। भादो का 13 का मेला लगने वाला है यहाँ पे। हजूर पाक पे। अच्छा 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 सोमारी का मेला में कितना भीड़ था यहाँ पे? भीड़ ठीक है, भीड़ रहा। अच्छा, 5000 आदमी पूछ जा रहा। चाचा जी बता रहा हूँ 5000 आदमी लोगों को भीड़ होता है यहाँ पे, काफ़ी मतलब कि भारी भरखम मेला लगता है शिवनगर धाम में। अजय तो जी से भेंट नहीं हुआ है हमको, और काफ़ी नाराज़ हो गए हैं, समय उनके पास नहीं था इसलिए मुलाकात नहीं हो पाया। और हम लोग मंदिर में श्रीनगर मंदिर में दर्शन करके और आप लोगों को श्रीनगर मंदिर का दर्शन कराए हैं, तो माफ़ी चाहते हैं कि आप लोगों को अजय धवन टिकटक स्टार से मिला नहीं पाए। आज का व्लॉग हम लोग यही एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नए व्लॉग में नए उम्मीद के साथ। तब तक इतना ही, नमस्कार, बाय।